तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मसूर की सब्जी बनके तैयार है और इसका थिकनेस हमने इस प्रकार का रखा है। अब आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म ये मसूर की सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो आप भी अपने घर पे इस तरह की रेसिपी बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसूर की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मसूर की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 400 ग्राम के आसपास मसूर लिया है और इसे रात भर पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे बॉयल करेंगे। आप कुकर में यदि सब्जी इसका बनाते हैं तो बॉयल करने की ज़रूरत है नहीं, हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसे कुकर में उबालेंगे। हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी इसमें 1 इंच ऊपर तक डालना है, इसमें मसूर के 1 इंच ऊपर तक, ज़्यादा पानी में डालना नहीं है। और थोड़ी सी नमक इसमें डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी के आसपास हमें लगानी है। तो ये हमारा पक के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है और उसके लिए हमने 2 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे उसका प्योरे तैयार किया है, और 1 टमाटर मीडियम साइज़ का, उसका भी प्योरे तैयार किया हमने। तो ये देखिए हमारा मसूर बॉयल हो चुका है फ्रेंड्स। तो हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। इसमें हमने 1 प्याज को फ्रेंड्स लंबे लंबे भागों में काटा है ताकि इससे बाद में हम इसकी गार्निशिंग कर सकें। तो ये हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसे निकाल लेंगे। मसूर की सब्जी आप एक बार अपने घर पे बना के ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च इसमें डाला है और उसके बाद हम प्याज का जो प्योरे तैयार किया था वो डालेंगे और इसे कच्चापन इसका निकालेंगे 2 से 3 मिनट तक भून के तेज फ्लेम पे। और यहाँ पे मसाला हमने सारे मसाले को 1/2 चम्मच लिया है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 से थोड़ी ज़्यादा चम्मच धनिया पाउडर। तो इन मसालों को हम अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ी सी पानी ऐड करके इसे भूनेंगे। तो मसाला ये लगभग हमारा भून चुका है, तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें फ्रेंड्स। मसाले को हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना है फ्रेंड्स, ज़्यादा मसाले को पकाएंगे नहीं हम। अब इसमें हम टमाटर का जो प्योरे तैयार किया था वो ऐड करेंगे इसमें और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये हमारा फाइनली मसाला भून चुका है। अब हम इसमें उबले हुए मसूर डालेंगे फ्रेंड्स। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये भी बहुत ही गाढ़ा है फ्रेंड्स। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। तो हम पानी ऐड कर लिए क्योंकि इसे जब गैस बंद करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, तो इसीलिए पानी आप अपने हिसाब से डालेंगे। आपको जैसा इसका थिकनेस पसंद हो, ज़्यादा ग्रेवी आपको चाहिए थोड़ी सी और पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा है ये बनके तैयार है फ्रेंड्स। हमने इस प्रकार का इसका ग्रेवी रखा है, तो आप अपने हिसाब से इसका ग्रेवी आप रख सकते हैं कम ज़्यादा। अब हम इसे प्याज से गार्निशिंग करेंगे। हमने जो प्याज को फ्राई किया था, तो ये देखिए
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मसूर की मसालेदार सब्जी तैयार है फ्रेंड्स बनके। आप इसे अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी हो। इस प्रकार से आप मसूर की सब्ज़ी बनाएंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर। तो ये मसूर की सब्ज़ी देख के आपका मन खाने को कर रहा होगा फ्रेंड्स, तो आप भी अपने घर पे फटाफट से बनाएं इस रेसिपी को और आनंद लें इसका। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।